दो हजार आएंगे। बाईस की बात न करें, हम लोग 2018 में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्होंने कहा कि हमने समर्थन मूल्य बढ़ा दिया और किसानों को वाजिब मूल्य हम दे रहे हैं क्रय केंद्रों के माध्यम से, उनका हम धान गेहूं खरीद रहे हैं। आज ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक डीएम को सस्पेंड किया है क्रय केंद्र के ही आरोप में कि उनको ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था और ठीक से खरीदारी नहीं कर रहे थे। बोरे का कल्चर है, जो लोग गांव को नहीं जानते उनको ठीक से आइडिया नहीं इस बात का। बोरे अलर्ट होते हैं, बोरे के हिसाब से खरीदा जाता है और किसान को सिर्फ इतना पता है कि कैसे तुरंत चीजें खरीद ली जाए, मेरा सामान उठ जाए। अगर वो लेके फसल गया मंडी में और उस पर पानी पड़ गया, बरसात का मौसम आ रहा है, तो अपनी फसल बर्बाद नहीं करेगा। अगर आप नहीं ले पाएंगे उस माध्यम से तो तुरंत बिचौलिए के हाथ देकर के किनारे होगा। और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आज हम बात गन्ने की कर रहे हैं लेकिन गन्ने की बात नहीं है। किसान चाहे जूट पैदा करे, प्याज पैदा करे, चाहे गन्ना पैदा करे, किसान हर समय मारा गया है। अभी आपने देखा एक महीने पहले खुद योगी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया है चीनी मिलों की बिक्री को लेकर के। उस पूरे मामले में जो तथ्य निकलकर सामने आया था कि जितने का स्क्रैप था उतने में चीनी मिलें बेच दी गई। हर चीनी मिल के पास लगभग 100-100 एकड़ जमीनें थी। क्या वो चीनी मिलें जो बेची गई उसके जांच का प्रोसेस इतना लंबा है कि आपको सालों लग जा रहा है आकलन करने में, जबकि सीएजी की रिपोर्ट उसके सामने है। आखिरकार जो भी मिल मालिक था वो पैसा अगर मार के बैठा तो किसानों का बैठा। मैं तो कह रहा हूँ धौरला की चीनी क्यों ना जनता के बीच में आए, क्यों पाकिस्तान की चीनी आए। और मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की चीनी लेना आपकी मजबूरी है अगर कुछ इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, तो अपनी चीनी तो कहीं और भेजिए। आप अगर अपना स्टॉक नहीं हटाए तो चीनी लेके करेंगे क्या? प्याज की स्थिति है, प्याज भी आप पाकिस्तान से मंगाते हैं और नासिक का प्याज भी हम खाते हैं, लेकिन तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पास जो स्टॉक है आप किसानों से लेकर कैसे उसको बाहर निकाल सकें कि ठीक से मार्केट में उसकी मांग बनी रहे। आज की तारीख में जो कुछ किसान के पास है उसकी मांग नहीं है, वो किसान लेकर अपने सर पे दौड़ रहा है।